बिजली और पानी की समस्या से गुस्साए ग्रामीण देर रात सड़क पर उतरे। शिवपुर थाना क्षेत्र के शुद्धिपुर स्थित महेशपुर गांव में लगातार दो दिनों से पानी न आने और बिजली न होने के चलते गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार देर रात सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार 2 बजे रात से क्षेत्र का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से यहां लाइट कट गई है और उसके 2 दिन पूर्व से मीरापुर बसई क्षेत्र में पाइप के फट जाने की वजह से इलाके में पानी का सप्लाई भी नहीं आ रहा। तब से हम लोग यहां पानी और बिजली के लिए परेशान हैं। एडीएम सिटी से मिले बीएचयू के छात्र, शहीद के गांव में स्मारक बनाने की उठाई मांग। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वाराणसी के तोफापुर गांव के सीआरपीएफ जवान रमेश यादव के घर मुख्य मार्ग से जाने वाली सड़क पर प्रवेश द्वार और गांव में स्मारक बनाने की घोषणा कई सरकारी और राजनीतिक नुमाइंदों ने की थी। साल भर से अधिक का समय बीतने के बाद भी इस संबंध में कोई प्रभावी कदम शासन द्वारा नहीं उठाया गया। ऐसे में जगदम्बा फाउंडेशन संस्था के तत्वाधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने एडीएम सिटी गुलाब चंद से मुलाकात की और इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए जिलाधिकारी के नाम एक पत्रक सौंपा। नो क्लास नो फीस के समर्थन में आए अधिवक्ता, डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कोरोना काल के चलते पिछले 4 माह से स्कूल बंद होने के बाद भी ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूल फीस लेने के खिलाफ बुधवार को अधिवक्ताओं ने नो क्लास नो फीस की मांग को लेकर डीएम पोर्टिको पर हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी की और प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी के लिए डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। फर्जी नियुक्ति मामले को लेकर विद्यापीठ के कुलपति से मिला सपा का प्रतिनिधि मंडल, जताई आपत्ति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में फर्जी नियुक्ति का विरोध करते हुए बुधवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी छात्र सभा और वाराणसी के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कुलपति ने बताया कि इनके द्वारा जताई गई आपत्ति को आज ही राज्यपाल महोदया के कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। खान साहब की धरोहर ईंट पत्थर हमें खाने को नहीं देंगे, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम अब अपने हिसाब से जिएंगे, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हम मकान के नीचे कमर्शियल प्लेस बनवाएंगे और ऊपर संग्रहालय, ईंट पत्थर हमें खाने को नहीं देंगे। क्या खान साहब की धरोहर खाने को देगी हमें, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहां से हम लाएंगे खाने के लिए, किससे भीख मांगे। ये शब्द है शहनाई वादक, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बड़े बेटे मेहताब हुसैन के बेटे सिप्तैन हुसैन की पत्नी के, जो मकान के टूटने की खबर पर घर पहुंची मीडिया कर्मियों को अपने दिल का हाल बता रही थी। गैस एजेंसी की बात थी, वो भी सरकार ने किया, बहुत सारी बात है ना, क्या कहते हैं वो, अब हम लोग अपने सजा तो जिएंगे, अब कुछ डिस्टर्बेंस ना करें बस। हम किसी से बस नहीं जाते, वो अपने हिसाब से हम जिएंगे, अपना दो मेहमान बनाएंगे, कंफर्मेशन प्लेस ऊपर संग्रहालय बनाएंगे। वाराणसी में 500 रुपए लेने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी हिरासत में, ट्रक चालक ने दर्ज कराया था मुकदमा। एसएसपी अमित पाठक ने पदभार संभालते ही भ्रष्टाचारी पुलिस कर्मियों पर नकेल कसने की बात कही थी और लगातार उनके द्वारा और उनके निर्देशन में ऐसे पुलिस कर्मियों पर प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में राजा तालाब तहसील पर तैनात एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को ट्रक चालक को गाली देने और उसे 500 रुपए अवैध वसूली करने के आरोप में हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की गयी। रोहनिया के अवलेशपुर गांव के निवासियों ने पंचायत भवन के पास मुख्य मार्ग पर कई दिनों से बजबजा रहे पानी और कीचड़ में धान रोककर अपना विरोध जताया है। अवलेशपुर ग्राम सभा में पंचायत भवन के मुख्य मार्ग से लेकर गांव के ज्यादातर रास्तों में कई वर्षों से लोग जल जमाव से त्रस्त हैं। आज महिलाओं के साथ साथ युवाओं ने गाँव के रास्तों में सड़ रहे बजबजाते पानी में धान की रोपाई कर वर्तमान स्थिति को शासन के सामने लाने का प्रयास किया। क्रिकेटर ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। वाराणसी में ईशांत शर्मा का ससुराल है। ईशांत शिवपुर की रहने वाली बास्केटबॉल प्लेयर सिंह सिस्टर्स में से एक प्रतिमा सिंह के हस्बैंड है। ईशांत को अर्जुन अवार्ड मिलने पर
पद्मश्री प्रशस्ति सिंह ने उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा सास उर्मिला सिंह ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस बार अर्जुन अवार्ड की घोषणा के बाद वाराणसी को दोहरी खुशी मिली है। क्रिकेटर बनारस के जमाई राजा ईशांत शर्मा के अलावा काशी के लाल बास्केटबॉल प्लेयर विशेष ब्रिंगवंशी को भी मिला है प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड। वाराणसी के अर्दली बाजार के रहने वाले विशेष ब्रिंगवंशी को इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। वे यूपी के अकेले बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित बास्केटबॉल लीग में खेल चुके हैं। इस अवार्ड की घोषणा के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। विशेष के माता पिता और भाई ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताई है। वाराणसी में बुधवार को मिले 129 नए कोरोना संक्रमित। इसके अलावा इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं बुधवार को ठीक होने वालों का आंकड़ा 110 है। जनपद में अब तक कोरोना के 6044 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4603 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किया जा चुका है। वाराणसी में फिलहाल 1327 मरीज एक्टिव केस के रूप में दर्ज हैं।